गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइज आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो की ज्वेलरीज जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी ज्वेलरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत बड़ी ज्वेलरी लवर हूँ। और इसमें कुछ रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक बैंगल्स, ये बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है ये बैंगल्स का हॉल करना। एंड कुछ लोगों का था कि शादी थी उनकी एंड कुछ लोगों को करवा चौथ पे पहनना था, तो उन सब की रिक्वेस्ट मैंने सुनी थी एंड विद इन 2 डेज मुझे सारे प्रोडक्ट रिसीव हो गए। तो आई थॉट चलो सेलेक्टिव हॉल बनाते हैं। एंड इसमें जो भी है प्रोडक्ट मैं आपको बता दूँ, इयररिंग्स हैं, नेकलेस हैं एंड बैंगल्स। ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कर ले। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ग्लैम विद उजाला, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट जो मैं आपको ज्वेलरी पीस दिखाने जा रही हूँ ये एक बैंगल सेट है एंड ये चूड़ा सेट है, ये इस तरह से मुझे रिसीव हुई है। एंड इसकी जो प्राइस है 297 रुपीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। चूड़ा आपको इस प्राइस में मार्केट में नहीं मिल सकता, ये आपको मीशो पे ही मिल सकता है। एंड मैं आपको बता दूँ इसकी रिक्वेस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर ने करी थी, उनका नाम है गुरप्रीत एंड ये मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, लाइक जब मुझे ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे तब से ये मेरी सब्सक्राइबर हैं। एंड इनका रिक्वेस्ट बहुत टाइम से था पर मैंने ऑर्डर किया और मुझे बहुत ज़्यादा लेट रिसीव हुई है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ ये चूड़ा किस तरह की है, इस तरह से मुझे रिसीव हुई है। एंड ये बहुत ही खूबसूरत चूड़ा सेट है। एंड आपको मैं बता दूँ जब मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी ना, मैंने उससे पहले इसे विशलिस्ट कर रखा था क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, बट मैं ले नहीं रही थी क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं ना ये वो, तो बहुत कुछ ऑर्डर करना होता है तो अपने लिए करने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो मैं आपको दिखा दूँ ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीस है। एंड इसमें थोड़ी सी कुंदन की टच है। आपको जो यहाँ मेन बैंगल्स मिल रहे हैं ये वाले, ये 4 पीस है और इसमें आपको कुंदन टाइप का वर्क मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको पास से दिखा दूँ, काफ़ी खूबसूरत सेट है, मैं आपको इसे पहनकर भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इसमें मैं बता दूँ इसमें साइजेस बहुत ज़्यादा थे, 2.6 तक की साइज़ थी, आई थिंक 2.8 तक की साइज़ थी, मेरी इसमें साइज़ बहुत छोटी है, 2.4 है, जो सबसे छोटी साइज़ थी वो मैंने लिया है। एंड ये मैं आपको पहनकर दिखा देती हूँ, सी देखो आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे तो उतारने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड इसमें टोटल 32 पीसेस है, एक में आपको 16 पीस मिल रही है एंड इसमें आपको 16 पीस मिल रही है, एंड टोटल 32 पीस है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे ये चूड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, तो गुरप्रीत अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, लाइक ऑरेंज कलर थी एंड और मुझे कलर याद नहीं, बट मुझे इतना याद है कि इसमें कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे, तो आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, स्टॉक में है। कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन आप लोग के लिए ही लिखी जाती है, आप एक बार चेक करो। और कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि जो कोड आपने दिया वर्किंग नहीं है, तो वो इसलिए होती है ना क्योंकि प्रोडक्ट हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो, इस वजह से मैं गलत कोड नहीं देती हूँ, कोड बिल्कुल सही रहता है, आप अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है, कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बस जो ज्वेलरी पीस थी बैंगल सेट थी वो ये वाली थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, तो आपको अगर लेना हो तो आप इसे ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड बहुत ही अफोर्डेबल मुझे लगा एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल हाथों पे खिल जाने वाली है। एंड इससे पहले मैंने एक और चूड़ा सेट आपको सजेस्ट किया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो अगर आपने नहीं लिया तो ले लेना, वैसे बहुत सारे लोगों ने लिया, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी हमने लिया हमने लिया, एंड थैंक यू सो मच। आप कुछ भी लेते हो मेरे रिकमेंडेशन पे, अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी रिकमेंडेशन आपको अच्छी लग रही है। नेक्स्ट जो बैंगल्स है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अभी वेलवेट वाली बैंगल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये मैंने खुद के लिए लिया है। इसकी जो प्राइस है 217 रुपीज़ है, मतलब 217 रुपये, और 217 रुपये में इतना सुंदर सा बैंगल मुझे रिसीव हुआ है, इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई है मुझे। एंड मैं आपको दिखा दूँ बैंगल काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल रेड, बिल्कुल जो रेड कलर होती है ना ये उस तरह की है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो आपको जो भी कलर पसंद हो, जिस तरह की भी आपको मैचिंग करनी हो आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, मैं आपको
खोल कर दिखा दूँ इसे। प्योर वेलवेट में है सी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड इसकी वेलवेट जो है ना वो हाथों पे लग भी रही है, तो मैं बोलूँगी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आपको लेना हो तो आप ये बैंगल ज़रूर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये एंड इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है। मैं इसमें 2-3 कलर और भी लेने वाली हूँ क्योंकि इसकी प्राइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग जो बैंगल्स मुझे रिसीव हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। ब्लैक कलर भी है, ब्लू भी है, मरून है, पिंक है, ग्रीन है, येलो, सारे कलर्स हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मुझे ये ज्वेलरी काफ़ी, सॉरी, ये बैंगल्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अगर आपके पास रेड कलर की साड़ी है या रेड लहंगा है उसके साथ आप मैच करके पहनोगे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड ये मेटल की है एंड उसके ऊपर वेलवेट का वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। तो ये थी सेकेंड बैंगल सेट जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये बैंगल सेट मैं हाईली 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 रिकमेंड करूँगी, अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल इसे लो, आँख बंद करके ले लो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पीस है ये। तो ये थी सेकेंड बैंगल सेट। थर्ड जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगेन ये चूड़ा सेट है एंड ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एंड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ 527 रुपीज़ है, जो अगेन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। 500 के अराउंड में आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चूड़ास मिल जाएंगे मीशो पे। इसमें मुझे फ्री गिफ्ट भी मिली है, 4 बैंगल सेट मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह की, देखो आप इस पर फ्री गिफ्ट लिखी हुई है, तो ये मुझे फ्री मिली है एंड ये मैं आपको दिखा दूँ किस तरह की है। सी, ये इस तरह की है एंड ये जो है शीशे की बैंगल है एंड इसके ऊपर इस तरह का गोल्डन वर्क किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड ये मुझे फ्री मिली है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं आपको पहनकर दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में भी पहन सकते हो, उतना बुरा नहीं है। सिंपल पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फ्री गिफ्ट इस तरह के भी मिल जाएंगे मुझे। कुछ इस तरह से है एंड इसमें लटकन भी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड इसमें जो मेरी साइज़ है 2.4 है, इसमें 2.8 तक की साइज़ अवेलेबल है, तो आपको जो साइज़ आपकी हो आप वो साइज़ ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर चूड़ा है ये, मैं आपको पूरा दिखा दूँ। फिर सी, ये कुछ इस तरह की है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, रेड कलर का है एंड इसके ऊपर गोल्डन कलर की मतलब उसके साथ गोल्डन कलर की बैंगल्स की मिक्सिंग है एंड इस तरह का लटकन्स है, लटकन भी काफ़ी ज़्यादा छन छन कर रही है, तो काफ़ी अच्छी है ये चूड़ा। तो जिनको भी लेना था अपनी वेडिंग के लिए आप बिल्कुल ले लो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर चूड़ा, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एंड लटकन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, निकलने वाली मुझे नहीं लगता कि निकल पाएंगी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो अगर आपकी किसी की भी वेडिंग वगैरह है और आप एक अच्छी चूड़ा लेना चाहते हो तो आप ये चूड़ा ले सकते हो। वैसे पंजाब में बहुत सारे चूड़ा मिलते हैं बट आप अच्छे प्राइस में अच्छी चूड़ा नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए कम से कम 2000 इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा मैं यूं ही नहीं करी, मैंने पूछा था वहाँ मार्केट में, तो मुझे उन्होंने बोला था कि 700 से नॉर्मल चूड़ा स्टार्ट होती है मार्केट में, ठीक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइस लगा था। उस अकॉर्डिंग मीशो पे आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ा मिल जाएगी, तो अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो, 500 to 550 में आपको बहुत ही अफोर्डेबल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चूड़ास मिल जाएंगे एंड ये चूड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इससे पहले भी मैंने जो चूड़ा दिखाया वो भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे ये वाली भी बहुत अच्छी लगी, तो जिनको भी लेना था आप ये ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये थी थर्ड बैंगल्स। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक ईयरिंग है एंड इसकी भी रिक्वेस्ट मुझे आई थी बट मैं आपको सच बताऊँ मैंने इसे भी विशलिस्ट कर रखा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा होती कि जो मैं लेना चाहती हूँ वो मैं ले ही नहीं पाती हूँ, तो मैं बस एडजस्ट करते रहती हूँ कि हाँ चलो ये वाली इधर कर लेते हैं फिर इसे बाद में करेंगे, फिर इसे ऐसे कर, मतलब इस तरह से मैं मैनेज करती रहती हूँ कि इसे कब लेना है उसे कब लेना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे भी पसंद होती हैं, आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट है तो मेरा भी काम हो जाएगा एंड आपका भी काम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से मुझे रिसीव हुई है ईयरिंग एंड ये काफ़ी छोटी सी है एंड काफ़ी खूबसूरत है, जितनी छोटी है ना ये उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये थोड़ी सी हेवी है, थोड़ी सी लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखो आप
बहुत ही सुंदर सा पीस है। ये ना थोड़ी सी कुंदन वर्क में है, आप देखो यहाँ पे कुंदन वर्क है, नीचे आपको पर्ल मिल रहा है एंड इस तरह की गोल्डन वर्क है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ईयरिंग है एंड इसमें आपको लगाने के लिए इस तरह से मिलेगी, जस्ट ये फंसाने वाली है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये बिल्कुल फेस्टिव वियर टाइप की ईयरिंग है एंड छोटी सी है एंड थोड़ी सी हेवी है एंड काफ़ी अच्छी लुक भी देगी आप। एंड ये अभी भी स्टॉक में है, बहुत सारे वेरियंट्स भी है इसमें, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले लेना। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक रिंग है एंड इसकी जो प्राइस है 153 रुपीज़ है एंड ये इस तरह की टिनी मिनी सी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई है। एंड मैं आपको बता दूँ रिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सी। आपने इस तरह की रिंग अभी बहुत लोगों को पहने देखा होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड ये एडजस्टेबल भी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये गोल्ड में है एंड इस पर अमेरिकन डायमंड्स का वर्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड मैं इसे पहन के रहने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। मैं आपको पहन कर दिखा देती हूँ, देखो आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ये मैंने अपने पसंद से लिया है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक गले का सेट है, ये अफगानी नेकलेस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ये कुछ इस तरह से मुझे रिसीव हुई है एंड इसके साथ मुझे पेयर ऑफ इयररिंग्स भी रिसीव हुए हैं। इयररिंग मैं आपको दिखा दूँ, इयररिंग कुछ इस तरह से है, इसमें ग्रीन कलर की स्टोन लगी हुई है एंड ऑक्सीडाइज है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी प्राइस जो है 334 रुपीज़ है जो अगेन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड मैं आपको नेकलेस दिखा दूँ, नेकलेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इसे देखा था तो ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। ये मॉडल ने साड़ी पर पहन रखा था और ट्रस्ट मी आप साड़ी पर पहनोगे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, बीच में आपको इस तरह की जैसी इसमें इयररिंग है ना वैसा बीच में लगा हुआ है एंड साइड से इस तरह की पर्ल है एंड नीचे आपको इस तरह की झुमका होती है ना, झुमका टाइप का वर्क दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये। आप इस तरह से पहन, वाओ ये तो बहुत अच्छी लग रही है, ओह माय गॉड सॉरी। ये पुरानी टाइम में जो वो होती थी ना विलेंस, वो नागिन वागिन वगैरह जो लुक होती ना, आप उस तरह से भी इसे पहन सकते हो, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। जस्ट मैंने यूं ही पहन कर देखा एंड ट्रस्ट मी मैंने इससे पहले इसे खोलकर भी नहीं देखा है एंड ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। आप अगर इसे लेना चाहो ना तो बिल्कुल ले लो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ज़्यादा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते जैसे अभी मैंने किया है एंड ऐसे ही सडन मेरे दिमाग में आया कि इस तरह से इसे पहन सकते हैं एंड आप देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऐसे ही पहनते थे ना पुराने टाइम में जब कोई ये होती थी सीरियल वगैरह, उसमें विलेंस लोग जो होती थी वो इसी तरह से पहनती थी ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और आप देखो कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई नो आपको भी अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। तो ये थी फर्स्ट नेकलेस, मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ये एक इयररिंग है एंड ट्रस्ट मी ये इतनी खूबसूरत इयररिंग है, इतनी खूबसूरत है कि आप अभी जाओगे एंड अभी जाकर के ऑर्डर प्लेस करोगे। प्राइस है 274 रुपीज़ है एंड ये काफ़ी खूबसूरत है, अभी आप देखोगे ना आपको बिलीव हो जाएगा मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ इसकी। आप देखो सी, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस पर मिरर कट वर्क है एंड ये ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज के साथ मिरर का वर्क अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पीस है। प्राइस वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई नो आपको भी अच्छी लगी होगी। सी आप पास से देखो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इस तरह से थोड़ी सी चांद वाली होती ना उस तरह की है एंड पीछे आपको लगाने के लिए इस तरह के मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी बात है एंड बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। नीचे आपको ऐसी क्या बोलते हैं इसको यार, इस तरह की आपको मिल जाएगी एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इसमें एक प्रॉब्लम है, आप देखो बीच में यहाँ एडजस्ट है दोनों सी,
एंड इसमें नहीं है, इसमें निकली हुई है, तो यहाँ मुझे या तो कुछ मैनेज करना होगा या फिर मुझे रिटर्न करना हो, तो मुझे, लेकिन मुझे ये इयरिंग काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो आने में ना, थोड़ी जो होती है ना एक दो हुक्स वगैरह निकली हुई आती है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कुछ ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जब वो मुझे रिसीव हुई तो उसकी कुछ ना कुछ हुक्स निकले रहेंगे, तो मेरे से अगर एडजस्ट होने वाला रहता तो मैं कर लेती हूँ, नहीं होने वाला तो मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो इसका भी मैं देखती हूँ, अगर होने वाला हुआ तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूँगी। एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये इयरिंग। इस हॉल की लास्ट इयरिंग थी, लास्ट ज्वेलरी पीस थी, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर पीस थी। जो भी मैंने आपको दिखाया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जो भी मुझे रिकमेंडेशन भी आई थी ना कि दी आप इसको रिव्यू करो, वो सारे प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे थे, एंड जो मैंने खुद से भी लिया वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे मुझे ज्वेलरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड मैं ज्वेलरी हॉल करती हूँ ना तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं अंदर से खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड मैं आपको बता दूँ, ये जो ज्वेलरी मैंने पहना हुआ है अभी, ये लोकल मार्केट की है, तो इसकी मैं आपको लिंक नहीं दे सकती। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी आपने जो वियर किया है उसकी लिंक दो, तो मैं इसकी लिंक नहीं दे सकती, ये लोकल मार्केट की है। एंड हाँ, ये जो टॉप है ये मीशो की है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत टॉप है, आज ही ये मुझे रिसीव हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी भी कोड मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर लेना चाहो तो बिल्कुल ले लेना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा टॉप है ये, सॉरी कुर्ती है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 542 रुपीज़ की है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड इसकी जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड इसके ऊपर गोल्डन का वर्क किया हुआ है, तो आपको अगर पसंद हो तो आप बिल्कुल जा करके ले लो, मैं कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो डियर, ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग गाइस।